हमारे खाली हाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक से कर्मचारियों के हाथ एक बार फिर निराशा ही लगी है। कर्मचारियों की सरकार ने एक भी मांग पर चर्चा तक नहीं की है, इससे प्रदेश भर के मुलाजिमों में रोष है। वहीं अब पॉलिसी के लिए आउटसोर्स की बेचैनी भी बढ़ने लगी है। मंत्रिमंडल से कौन से कर्मचारियों को मिली मायूसी, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों को यह मिला मंत्रिमंडल से, क्या मिला अभी चर्चा कर रहे हैं हम आपके सामने। राजेश, देखिए एक तो हम बात कर रहे हैं कि क्या नहीं मिला, उससे पहले जी बेरोजगारों को थोड़ी राहत तो मिली है। बिल्कुल, आज जो कुछ फैसले हुए हैं, आपको मैंने उस समय इंटरप्ट किया था, अफसोस है मुझे उसके लिए। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जरा आइए जरा वहां पे जहां आप उस समय कहना चाह रहे थे अपनी बात। क्या क्या पद सृजित हुए हैं आज? बिल्कुल, देखिए मंत्रिमंडल की बैठक में आज 200 नौकरियों पर युवाओं के लिए मुहर एक तरह से लगी है। 200 नौकरियां निकली है, जो खनन विभाग में नौकरियां निकली है अग्निहोत्री जी, 60 पद वहां भरे जाएंगे। अग्निशमन विभाग में 129 पद भरने पे सरकार ने मुहर लगा है। इसके अलावा जो अभी दो दिन या तीन दिन पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर के दौरे के दौरान नहराधार में कॉलेज खोलने की घोषणा की थी, 16 पद सृजित करने का सरकार ने वहां फैसला इस मंत्रिमंडल की बैठक में ले लिया है। इसके अलावा और भी बड़ी महत्वपूर्ण ये फैसले हुए हैं अग्निहोत्री जी, जिसमें जैसे अगर हम बात करें तो कई ऐसे स्कूल हैं जो सरकार ने प्रमोट किए हैं और जिसमें से बहुत सारे स्कूल हैं जो जैसे आज अभी आपने जिक्र किया, जो जमा दो सरकार ने बनाए हैं, उन जमा दो स्कूलों में क्योंकि अब पोस्ट क्रिएशन होगी 20 पद भरने को वहां मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा जो मिडिल से हाई स्कूल सरकार ने प्रमोट किए हैं उनके लिए 11 पद अलग से भरने की सरकार ने इसके लिए व्यवस्था कर रखी है। नगरोटा सूर्या की हमने बात कही थी कि वहां सीएचसी को सरकार ने प्रमोट करके 50 बेडेड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है, उसके लिए भी 27 पद अलग से क्रिएट करने की सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दाड़लाघाट नया सरकार ने एक तरह से खोलने का ऐलान किया है, 8 पद वहां भरे जाने को इस मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। तो युवाओं के लिए नौकरियों के दरवाजे हिमाचल प्रदेश में खुलने जा रहे हैं या खुल रहे हैं। हाँ, 200 पद देखिए, और सबसे बड़ी बात है वैरायटी है जी, हर विभाग में कुछ न कुछ मिला है, हालांकि खनन और अग्निशमन में ज्यादा पद। बिल्कुल, ये अच्छी बात भी है, ये ट्रेडिशनल पोस्ट नहीं है, यहाँ कभी कभी निकलती हैं तो जिसके पास वो कैलिबर होगा, जैसे होते हैं ना कई स्पेसिफिक बात करते हैं, जैसे जे सिविल वाले बोलते हैं हमारे, वो सिर्फ उनके लिए स्पेसिफिक होती है, उनके लिए तो नहीं निकली लेकिन खैर इधर निकली है तो युवाओं के लिए शानदार अवसर है राजेश। अच्छा, कोर्ट में जो मामले फंसे हैं ना नियुक्तियों के, उनको लेके भी आज कंसर्न दिखा मंत्रिमंडल, गंभीर चर्चा हुई, गंभीर मंथन हुआ, उसमें अधिकारियों को कहा गया बल्कि एक तरह जवाबदेही तय की गई। बिल्कुल राजेश, बात हुई है जेबीटी भर्तियों को लेके, जो कोर्ट में मामला है, जेईओ है ना, जेओए यस, आईटी, इनके जो ये जो पोस्ट कोड है 817 है ना राजेश, बिल्कुल उस पे बात हुई, प्लस शास्त्री नियुक्तियों को लेके हुआ। बिल्कुल, क्या क्या कहा गया राजेश? बिल्कुल, देखिए जेबीटी जेओए और शास्त्री भर्ती में जिस तरह की नियुक्तियों का एक तरह से आप मान लीजिए कि केस इनके चले हुए हैं कोर्ट का भी, ये मामला विचाराधीन इनके हैं, उसके लिए आज मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है बहुत लंबी देर तक इन पे चर्चा हुई है और कैसे युवाओं को राहत देनी है इसके लिए अफसरों की जिम्मेदारी सरकार ने तय कर दी है। ये बहुत बड़ा फैसला सरकार का है क्योंकि इससे आगे फिर नौकरियों के दरवाजे सीधे तौर पर और बड़े स्तर पर खुलने जा रहे हैं। जहां तक जेबीटी भर्ती का मसला है में जो डिस्कस हुआ है मंत्रिमंडल में, उसके लिए अगर हम बात करें तो विकल्प दोहरा दिया है विभाग के पास, या तो सीधी भर्ती से मेरिट में आए बीएड जो डिग्री धारक हैं उनके पद खाली करके बाकी प्रोसेस शुरू कर दी जाए, एक विकल्प वो है कि आप उसको बीएड वालों को बाहर कर दीजिए और फिर जो बाकी जेबीटी वाले बचते हैं उनको लेकर। बिल्कुल ए है, बिल्कुल बिल्कुल बी क्या है, बिल्कुल, और इसमें बी ये है तो दूसरा जो ये है, अगर नौकरी ही देनी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसी को अंतिम मान लिया जाए, या फिर और जेबीटी कमीशन भी अगर बात करो, 617 पद जो कमीशन
के मार्फत थे और बैच वाइज 515 जो पद हैं ये अभी फंसे पड़े हैं। तो स्क्रूटनी शुरू हो रही है जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए जेबीटी और बीएड दोनों के लिए ही आया है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मंत्रिमंडल में अफसरों, अब अफसरों पे बहुत सारी डिपेंड करती है जेबीटी भर्ती की, अफसर किस तरह से आगे इस केस को रखते हैं कि रास्ता चाहे जेबीटी के लिए है चाहे फिर बीएड के लिए किस तरह से आगे बढ़ेगा ये अफसरों के ऊपर अब डिपेंड करता है। अगर हम जेओए पोस्ट कोड 817 की बात कर ले अग्निहोत्री जी, तो इनके पद अब घट रहे हैं, सही है, और ये घट क्यों रहे हैं क्योंकि इसकी अगर हम बात करें तो पहले 1867 इसमें कुल पद थे, और क्योंकि मसला ये आप ये मानिए भर्ती जी बिल्कुल, ये आप 1337 पदों के लिए रिजल्ट जल्दी से जल्दी तैयार करने को ये आदेश दे दिए गए हैं अफसरों को सरकार ने, और 582 जो पद हैं, जो अब शास्त्री की बात कर लें तो इनको 582 इनके पद हैं, इसको लेकर भी विधि सचिव, एडवोकेट जनरल और शिक्षा सचिव को कहा गया है कि सभी मिलकर प्रयास करें ताकि इन युवाओं को, इन अभ्यर्थियों को, इन अवैधकों को सरकार राहत दे। बहुत लंबी चर्चा हुई है मंत्रिमंडल में। राजेश बिल्कुल सही है, देखिए यहाँ पे सरकार के प्रयास सराहने होंगे, ये वर्ग बड़े लंबे समय से राहत का इंतजार कर रहे हैं, और इससे एक खुशी की लहर होगी या एक राहत तो जरूर मिली होगी कि सरकार इस मामले में आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात, हमने जेबीटी की चर्चा करी ली कि उस पर एक प्रोसेस शुरू भी कर दिया गया है। राजेश छठे पे कमीशन की बात कर लेना, बिल्कुल कल हम इसी कार्यक्रम में चर्चा कर रहे थे कि अभी तक उस पर बात हो रही है, फाइनल नहीं हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल हो भी नहीं पाया। राजेश फैसला लेना तो छोड़िए आप छठे पे कमीशन पे जी, शायद चर्चा भी नहीं हो पाई है, बिल्कुल क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, देखिए अगर हम कहें तो कर्मचारियों को इस मंत्रिमंडल की बैठक से सिर्फ इंतजार मिला है, और इंतजार है अगली कैबिनेट के होने का, या सरकार के अगले फैसले कर्मचारियों के पक्ष में आने का, वो इंतजार कर्मचारियों के हिस्से में इस कैबिनेट की बैठक से आया है। 3 अप्रैल को बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा दो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की थी, जिनका कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहली थी हायर ग्रेड पे, जिसमें पेंच फंसा हुआ है अग्निहोत्री जी, रेगुलर बनाम सभी कर्मचारियों में 3 जनवरी 2022 तक जो रेगुलर हो गए हैं और 3 जनवरी 2022 तक जो नियुक्त कर्मचारी हैं, इन दो शब्दों के फेर में हायर ग्रेड पे की फाइल फंस के रह गई है, कोई चर्चा इस पे नहीं हुई है। जहां तक पे कमीशन लाभ की हम बात कर लें तो नोटिफिकेशन आई नहीं है जेओए आईटी का, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण घोषणा उनके लिए क्लर्क के बराबर ग्रेड पे की सरकार ने बात कही थी, उस पे भी फैसला कोई हो नहीं पाया है। एरियर की किश्तों को लेकर सरकार ने फैसला करना था, उस पे कोई चर्चा इस मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं हुई है। पे कमीशन के भत्ते रिवाइज होने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, पे कमीशन तो लागू हो गया है, भत्ते रिवाइज जब नहीं हुए हैं, वो सरकार ने रिवाइज करने हैं, तो उन पे भी कोई चर्चा इस मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं हुई है। अब बड़ी महत्वपूर्ण चीज यह है कि क्योंकि सरकार को सीधे तौर पर पैसा प्रभावित कर रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि इन पे चर्चा नहीं हुई है। अभी अगर हम माने तो अभी इनके इन फैसलों के लिए इंतजार करना होगा कर्मचारियों को। मनी मेक्स द मेयर गो, हाँ बिल्कुल, हम पढ़ते थे ना चीज़ समझ रहे हैं, धन चाहिए जी, बिल्कुल हम भी जानते हैं, सरकार भी जानते हैं, कर्मचारी भी जानते हैं, पहले से ही एक्सपर्ट कहते आ रहे हैं जिनकी बात हम आप तक पहुंचाते रहे हैं कि तभी ये आपका इंतजार शायद सफल होगा जब उससे ठीक पहले ये पता लग जाएगा, इन्फॉर्मेशन आ जाए सरकार के पास, पैसा आ गया, सरकार कोशिश कर रही है, चाहे वो लोन के माध्यम से हो चाहे वो डबल इंजन सरकार केंद्र से देती है। राजेश आउटसोर्स पॉलिसी, बड़ी उम्मीद है आउटसोर्स वालों को कि हमारा कुछ ना कुछ होगा, सही कुछ नहीं हुआ आज भी, इतना वक्त बचा है, अब क्या लगता है आपको इलेक्शन और इन इलेक्शन से पहले के समय में कि ये पॉलिसी पहले बन के सामने आए फिर उस पर चर्चा हो और इम्प्लीमेंट भी हो जाए, क्या लग रहा है? बिल्कुल देखिए आउटसोर्स पॉलिसी है, एसएमसी पॉलिसी है, पंचायत चौकीदार पॉलिसी है और एनएचएम पॉलिसी है, ये चार राजेश एनटीटी भी जोड़ी, बिल्कुल अभी एनटीटी पे मैं बाद में आऊंगा, अच्छा, अच्छा। ये चार लोग वो हैं जो चार वर्ग वो हैं जो पॉलिसी का सरकार से इंतजार कर रहे हैं। आउटसोर्स के कर्मचारियों के कमेंट चल पड़े हैं, आउटसोर्स के कर्मचारी तो ये कह रहे हैं कि हमने तो बड़ी शालीनता के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार से पॉलिसी की मांग की थी, शिमला में बड़ी शालीनता के साथ पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, हमारी शालीनता की तारीफ भी की और साथ ही संदेश ये दिया था कि जो भी सरकार के सामने या सरकार के पास बड़े सलीके से आएगा सरकार उसकी बात सुनेगी, और ये कह रहे हैं ये एनएचएम अपने आउटसोर्स के कर्मचारी कह रहे हैं कि 32,000 ये कर्मचारी हैं, सरकार लगातार पॉलिसी की बात कर रही है, सब कमेटी तक तो सही था, सब कमेटी के मर्जर के प्लान तक तो सब सही था, लेकिन उसके बाद अब सरकार पॉलिसी पे कोई फोकस सरकार का है नहीं, और आने वाला दौर अगर हम देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जून का एक हफ्ता निकलने वाला है अग्निहोत्री जी, और सरकार के क्योंकि आप
देखिए कि हिमाचल तीसरा हफ्ता निकला है, समझिए राजेश मोदी जी आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं, बिल्कुल अभी चुनाव हिमाचल प्रदेश में बहुत जल्द आ रहे हैं, तो क्या सरकार को अब वक्त मिलने जा रहा है, क्या सरकार के पास इतना समय है कि सरकार इस पॉलिसी को लेकर मंथन चिंतन और इस पे विचार करके इस पॉलिसी को लागू करे। ये निराशा एक तरह से आउटसोर्स के इन कर्मचारियों के हाथ में है, जहां चौथी लगातार चार कैबिनेट की बैठक खाली हाथ रहे हैं इन कर्मचारियों के। पॉलिसी देखिए वही है, पॉलिसी को लेके हमेशा ही संशय रहता है, सही है, जब पॉलिसी की आती है तो फिर चीजें लटकती जरूर, बिल्कुल वही 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 यही चीज तो एनटीटी टीचर के 4,500 पद जो सरकार ने भरने थे, जी, यही समस्या यहाँ भी ये आ गई अग्निहोत्री जी, कि इन पे भी आज कोई चर्चा नहीं हुई है, तो जब चर्चा ही नहीं तो फिर इनके हिस्से में भी एक तरह से आप ये मान के लगिए कि 4,500 नौकरियां अब नहीं निकलने वाली हैं अभी फिलहाल। तो राजेश वही चीज है, समय समय की बात है। नौकरियों की बात कर लेते राजेश, आज आपने बताया 200, 250, 300 जितने भी ये पद आप गिन सकते हैं इतने निकले हैं, लेकिन ये निकले हैं उस तरह से जैसे जैसे कि कहीं कोई सुविधा देनी है, बिल्कुल उस आधार पे निकले। राजेश थोक में नौकरियों की बात नहीं हुई, बिल्कुल ना टीजीटी की जॉब्स हैं, ना इंजीनियर्स की जॉब है, ना उस तरह से ये जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट्स की जॉब होती है वैसी, ये थोक में जॉब निकलती है ना राजेश, सही है, उनमें नहीं है, बिल्कुल इंतजार हो रहा है लगातार, बिल्कुल यहाँ भी वही बात है कि समय से कुड़ता जा रहा है, बिल्कुल अब अगर जॉब्स निकलेंगी तो क्या इलेक्शन तक ये प्रोसेस निपट पाएगा, बिल्कुल देखिए अभी तक तो फिलहाल बहुत मुश्किल है और जटिल प्रक्रिया एक तरह से लग रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बजट भाषण को अगर हम देखते हैं तो जो बजट भाषण जिस तरह का उन्होंने दिया था जिसमें 30,000 नौकरियों पे फोकस सरकार का रहने वाला है इस वित्तीय वर्ष में, आप देख लीजिए कि अगर 200-250 की नफरी में वो नौकरियां निकल रही है तो फिर मल्टीटास्क वर्कर की के आंकड़े को अगर हम छोड़ दें तो फिर वो फिगर को टच करती हुई सरकार नजर नहीं आ रही है। मल्टीटास्क तो जोर है सरकार का, वो तो चलिए आप जोड़ भी लीजिए, बिल्कुल फिर भी उतना नहीं हो पा, बिल्कुल लेकिन 13,000 आप अगर उन्हीं भर्तियों को अगर हम देखते हैं अग्निहोत्री जी तो फिर भी ऐसा लग रहा है कि वो फिगर टच नहीं होगा सरकार से, अगर 200, 250 और 300 नौकरियां ही निकल पाती है, कटौती भी हो गई है लेकिन कटौती उन नौकरियों में या उन पदों पे होने जा रही है जो पहले एडवर्टाइज हो चुके हैं, अगर उनमें भी अगर कटौती हो रही है तो फिर आंकड़ा वहां से भी कम होने जा रहा है, तो फिर सरकार के पास चुनावी साल में युवाओं को रिझाने के लिए, युवा मतदाताओं से वोट मांगने के लिए एक तरह से आंकड़े होंगे क्या, ये बड़े चौंकाने वाले होने जा रहे हैं। अब तो सवाल युवा जिस तरह का आप देखिए बल के दौरे पे जब वहां के लोकल विधायक थे सवाल वहां दागे गए थे, सवाल युवाओं ने किया था नौकरियों को लेकर, जवाब देते नहीं बनता बना था वहां, तो इस तरह के हालात अब थोड़े से खराब ऊना में जनमंच में हुआ, बिल्कुल युवाओं की एक तरह से हम देखें तो उम्मीदें बिल्कुल बरकरार है लेकिन उम्मीदें एक तरह से कहें तो सरकार उनकी उम्मीदों पे एक तरह से खरी अभी उतर नहीं पाई है। जी राजेश दिल तोड़ने वाली बातें बहुत हो गई है, सच सच बोलना बहुत हो गया, कड़वा होता है सच, जी दर्शकों को भी बुरा लग रहा होगा, हमें भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं लग रही है, लेकिन हम ये भी समझे ये सब पता सरकार को भी है, तो सरकार ये एक्सपर्ट माने कि सरकार इन चीजों को समझती है तो पता है कि कब क्या करना है और वो उसको मैक्सिमाइज करके एक मैक्सिमम फायदा भी लेना चाहती है या मैक्सिमम फायदा देना चाहती है। राजेश कितनी संभावना है जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि सरकार ये सारी चीजें एक मुश्त कर देगी, किसी दिन कोई ऐसी बैठक होगी कि एक मुश्त उसमें बस धमाके से धमाके होंगे, बिल्कुल और एकदम से, पर वो दिन कब आएगा क्या मतलब बेचैनी बढ़ रही है क्या, बिल्कुल देखिए भगवान के बाद सरकार, सीधा सा फार्मूला। अभी अगर हिमाचल प्रदेश सरकार की हम बात कर लें तो आज बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा दो मुद्दों को लेकर हुई। पहला जो मसला रहा है वो महामहिम राष्ट्रपति के हिमाचल प्रदेश के दौरे को लेकर रहा है, जहां वो 10 तारीख को धर्मशाला आने जा रहे हैं। उसके बाद जो अगली चर्चा हुई वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रदेश के अगले दौरे को लेकर, बिल्कुल जो दो दिन प्रधानमंत्री जो यहाँ होंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो जुलाई महीने में एम्स बिलासपुर में शिलान्यास उसका होना है, उसको लेकर बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। किसी दिन ऐसा होगा अग्निहोत्री जी जब सरकार के पास वित्तीय संसाधन सरकार के एकदम से सही हो जाएंगे, वक्त सरकार के पास होगा तो उस दिन धमाका होगा, ये विशेषज्ञ मान रहे हैं, क्योंकि भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर इसीलिए जाना जाता है क्योंकि ये पार्टी रातों रात गेम चेंजर पार्टी है, रातों रात खेल पूरी तरह से बदल देती है। देखिए सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि जी मोदी जी अगर यूपी जाते हैं तो वहां करोड़ों दे देते हैं, गुजरात में दे रहे हैं, हिमाचल की बारी कब आएगी, बिल्कुल शायद हिमाचल को एक मुश्त, ऐसा एक्सपर्ट मान लीजिए, देखिए हम उनकी बात कह रहे हैं और अगर ऐसा वो कह रहे हैं तो मानने में कोई बुराई नहीं, बिल्कुल समय तो अभी है ही है।